मंगलोर के ठसका गांव में सैनी समाज के लोगों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का पुतला दहन किया। साथ ही ग्रामीणों ने मदन कौशिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि मामला साल 2017 में डबल मर्डर कांड से जुड़ा हुआ है। शेरपुर निवासी इंद्र सिंह सैनी व मेघराज की बेलड़ी स्थित फैक्ट्री में हत्या कर दी गयी थी। दरअसल मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है। साल 2017 में बेलड़ी स्थित फैक्ट्री में चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मृतकों के परिवारों को ढाई ढाई लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी। इसी से नाराज सैनी समाज के लोगों ने मदन कौशिक का पुतला दहन किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार मुआवजा नहीं देती तो सभी गाँवों में इसी तरह का प्रदर्शन किए जाएंगे। वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मृतकों के परिवार वालों को ढाई ढाई लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी, जो मृतकों के परिवार वालों को अभी तक नहीं मिला है। साल 2017 में रुड़की कोतवाली क्षेत्र के शेरपुरी निवासी इंद्र सिंह सैनी व मेघराज की बेलड़ी स्थित फैक्ट्री में हत्या कर दी गई थी, जो रिश्ते में चाचा भतीजे थे। हत्या के बाद मदन कौशिक पीड़ित परिवारों से मिले थे और फिर दोनों परिवारों को ढाई ढाई लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसी बात से नाराज सैनी समाज के लोगों के द्वारा ठसका गांव में मदन कौशिक का पुतला दहन किया गया। सैनी समाज की मांग है कि जल्द ही सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, नहीं तो सैनी समाज हर गाँव में धरना प्रदर्शन करता रहेगा। हमारे गांव टचका में मदन कौशिक पूर्व मंत्री रहे कैबिनेट में, उनका पुतला दहन किया गया। मेन मुद्दा ये होता हमारे समाज सैनी समाज के हल्लू मजरा गांव में और शेरपुर गांव में हत्याएं हुई, उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की थी मदन कौशिक ने, उन्हें कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई, मुआवजा दिया अब तक नहीं दिया मुआवजा। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? ये मांग करते हैं हम समाज के कुछ लोगों का, जो कि कुछ दिन पहले दो तीन साल पूर्व एक हत्याकांड हुआ था, इसमें हल्लू मजरा हत्याकांड, उसके बाद एक शेरपुर में हुआ, उसमें कैबिनेट में बैठे मदन कौशिक जी ने घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने उनके मृतक परिजनों को ढाई ढाई लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, जो आज तक ना तो उनका कोई मुआवजा मिल पाया, ना ही वो दोबारा वहाँ पर मंत्री साहब गए। उसके बाद आज मदन कौशिक जी प्रदेश में अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई उनके घर पर रीजन या घर पर उनके जाके कोई नहीं देखा। इसलिए आज हमारी उनसे यही निवेदन है कि या तो उत्तराखंड सरकार उन्हें मुआवजा देने का कृपा करे।